अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो हमने देखना है कि आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमने पिक्चर जो है अपनी आईडी पे, फेसबुक आईडी पे कैसे लगानी है, आपका कवर फोटो कैसे लगाना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं आज की वीडियोज़ में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने फेसबुक आईडी बनाया था, क्रिएट किया था और उसके कुछ सेटिंग थी वो की। आज हमने उस पर जो उसकी सेटिंग है, मज़ीद जो सेटिंग है वो हमने आज करनी है इस वीडियो में। ये देखें, ये जो लास्ट हमने एक आईडी क्रिएट की थी वो आईडी है। तो सबसे पहले हम ये हमसे कह रहा है कि आप जो आपकी पिक्चर है जॉन मार्टिन की जो पिक्चर है वो लगाएं। अगर तो आपके पास आपकी ओरिजिनल पिक्चर है तो वो उसको रख लें, अपने सिस्टम में रख लें तो वहाँ से अपलोड हो जाएगी, वरना आप फिर आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो आज की पिक्चर के लिए हम एक डमी पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि कोई उस पर जो डाउनलोड हम कर रहे हैं वो फ्री पिक्चर हो, उस पर कोई ब्रांडेड चीज़ ना हो या उस पर कोई स्ट्राइक वगैरह ना आए, ये इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। अगर हम इमेजेस में जाएं तो यहाँ से हम कुछ भी पिक्चर्स जो हैं, चलें ये पिक्चर है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम करेंगे सेव इमेज एज। अब ये देखें, ये जब सेव इमेज करेंगे हम तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएगी और ये आपके डाउनलोड्स में जाएगी। डाउनलोड में जाएगी तो इसका ये नेम जो है ये ऑटोमेटिकली इसने सेव कर रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यही रहने दें। और इसको जब हम चेंज सेव करेंगे तो ये देखें, ये सेव हो गया, ये डाउनलोड हो गई। इसको हम ओपन करेंगे शो फोल्डर में तो ये देखें, ये पड़ी हुई है हमारी पिक्चर। ठीक है, तो ये पिक्चर अब हम यूज़ करेंगे अपनी फ़ोटो आईडी के लिए। हम ऐड अ फोटो पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये दो चीज़ें दे रहा है, एक तो सिंपल अपलोड फोटो दे रहा है और कह रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि ऐड फ्रेम आप कर सकते हैं। अगर हम ऐड फ्रेम में करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी जो फ्रेम है वो चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद जो अपलोड फ़ोटो है वो करेंगे। ये हम डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में सेलेक्ट करेंगे और ये ओपन कर दिया हमने। तो अभी ये देखिएगा आप, इसको ये उसने फ्रेम में लगा दिया। ठीक है, अब एक तो ये प्रोसेस है। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते, इसको डिस्कार्ड करते हैं, दोबारा करें ऐड फोटो अपलोड फ़ोटो, अब वो सिंपल डायरेक्ट हमें डाउनलोड्स में ले जाएगा या कहीं भी ले जाएगा। तो जहाँ से हमने पिक्चर उसको अपलोड करनी होगी तो उस फोल्डर में हम चले जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया डाउनलोड में, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें, ये अब उसने उसको पिक्चर को उठा लिया एज इट इज। तो वो एडजस्ट उसको अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, वो उसके मुताबिक ही उसको एडजस्ट करेगा। ये हम पिक्चर लगा सकते हैं इसके अंदर, इसको हम स्लाइड करें, इधर से इधर करें, लेफ़्ट से राइट करें, राइट लेफ़्ट करें और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमने एडजस्ट किया तो इसको हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। ये देखें, ये अब सेव हो गई है। तो अब क्या करना है हमने, हमने ऐड कवर फोटो, कवर फोटो भी हमने लगाना है। तो उसको भी दो ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट अ फोटो। अगर तो आपने बहुत सारी जो फोटोज़ हैं वो लगाई हुई हैं तो वो सिलेक्ट फ़ोटो कर लेगा। अगर सिलेक्ट फ़ोटो करेंगे तो वो जो हमारे एल्बम ऑलरेडी पड़े होंगे, जो हमने अपलोड किए हुए चीज़ें, वहीं से उठा लेगा। वरना अगर हमने न्यू अपलोड करनी है तो वो अपलोड फ़ोटो करेंगे, तब भी वो हमें उसी फोल्डर में ले जाएगा। तो अगर हम अभी के लिए सिर्फ यही फ़ोटो जो है अभी हम ऐड अप कर लेते हैं कवर फोटो के लिए भी। ये देखें, ये सेम जो पिक्चर है वो उसने कवर फोटो के लिए भी उठा लिया। इसको सेव चेंजेस करेंगे तो ये देखें, ये अब सेव हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट हैं, अबाउट का एक सेक्शन होता है। अबाउट में हम अपने बारे में लिखते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी हाई स्कूलिंग कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, करंट सिटी हमारी कौन सी है, होम टाउन कौन सा है,
रिलेशनशिप में अगर हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर, इस अबाउट के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि ओवरव्यू। वर्क एंड एडुकेशन में अगर जाएंगे तो वो एट वर्क हम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी हम बता सकते हैं, हाई स्कूल का बता सकते हैं, आपकी एजुकेशन जो भी होगी उसमें आप उसको पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है प्लेस लिव्ड, जहां आप रह चुके हैं, वो आपकी करंट सिटी भी हो सकती है, प्रीवियस सिटी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जहां पे आप रह रहे हैं। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो या तो इसको ईमेल के थ्रू आपसे कर लेंगे, अगर फ़ोन नंबर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे फैमिली एंड रिलेशनशिप में, तो फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी ऐड अप कर सकते हैं, मेंबर अगर आपका ऑलरेडी मेंबर फेसबुक पे आईडी का बना हुआ है तो उनको आप ऐड अप कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस आप इसमें पुट कर सकते हैं। ऐड अप फैमिली में अगर जाते हैं हम तो फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे हम, जो उनका फेसबुक का आईडी होगा वो लिखेंगे, ऐसे नहीं कि उनका फेसबुक आईडी बना नहीं है और हम पुट करें तो वो ऐसे नहीं उठाएगा, तो वो रिलेशनशिप वो उठाते हैं जो ऑलरेडी फेसबुक आईडी बनी हुई हो, ठीक है, तो उसको उठाते हैं। डिटेल्स अबाउट यू, ये देखें इसमें अबाउट यू, नेम, प्रोनाउंसिएशन, ये हम सारी चीज़ें जो है, ब्लड डोनेशन, फेवरेट, अदर नेम्स, निक नेम हमारे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये तो हो गया अबाउट सेक्शन में। फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स भी हमने जब तक, देखें फेसबुक का मकसद ही यही है कि फ्रेंड्स बनाएं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सर्च करें, इसको मिलाएं और फिर आप जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट, चले अब हम जो है एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कोई भी आपका होना चाहिए फेसबुक के ऊपर, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर वो फ्रेंड आपको ऐड होगा। फाइन फ्रेंड्स कर रहे हैं तो यहां पे भी सर्च कर सकते हैं हम, बाय नेम भी हम कर सकते हैं, बाय नेम अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखें, ये जितने भी इस नेम से एडअप होंगे, जितने भी लोग आईडी इस नेम से बनी होगी वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखें, ये हमने, मैं जो चाह रहा हूँ वो ये हैं, इनको हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, इनकी ये पूरी प्रोफाइल पहले ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक बटन आपको शो कर रहा है ऐड अ फ्रेंड, ये अब रिक्वेस्ट जो है ये इनको सेंड हो गई है। जब इनको रिक्वेस्ट सेंड होगी तो वो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, अगर तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम अगर रिफ्रेश करें पेज को, ये देखें, ये वो रिक्वेस्ट फ्रेंड्स बन गए हमारे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये चीज़ें देखें, पहले ये मैसेजेस और वो ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास जब हमने इनको रिक्वेस्ट सेंड की थी, लेकिन अब जब ये वो हमारे फ्रेंड बन गए हैं तो हम उनको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम उनको यानी कि उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम ये देखें, ये होम बटन है, होम बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने होम बटन अपने पेज पर आ गए, ठीक है। तो ये एक हमने आज क्रिएट कर लिया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो हमने सेंड की है और उसकी अप्रूवल मिल गई है। अभी जितने ही हमारे फ्रेंड्स बनेंगे बढ़ेंगे तो फिर जो है वो हमारा सर्कल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये बटन है फाइंड फ्रेंड्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कुछ ऑप्शंस हमें दे भी रहा है, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन हमें बता रहा है कि ये इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ये ऐड करते हैं इनको, तैयब रसूल को ऐड किया हमने, और ये भी हम रिक्वेस्ट कर देते हैं इनको, चलें जब ये हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएंगे। तो अभी और हमने क्या करना है,
ये अगर जॉन मार्टिन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ऑप्शन हमें फिर देना शुरू हो गया कि आप इन लोगों को जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप इनको रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। ये देखें, जो हमने अपनी एक्टिविटी की है, जो हमने कवर फोटो लगाई है, जो हमने फोटो लगाई है, वो सारी हमारी पेज पे आना शुरू हो जाएगी। वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे पेज पे आना शुरू हो जाएगी। तो अगर हमने एक न्यू पोस्ट लगानी है, न्यू पोस्ट हम लगाना चाह रहे हैं, वो तो था ना कि हमने कवर फोटो लगा दिया और पिक्चर लगा दी, तो उसने उसको भी यानी कि हमें शो करना शुरू करनी है हमारे पेज पे। अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई और पोस्ट लगानी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ पोस्ट में जाएंगे। क्रिएट अ पोस्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, और इसके साथ अगर हम फोटो वीडियो या कुछ भी ऐड अप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये देखें, ये फोटो वीडियो का ऑप्शन दे रहा है हमें, ये आप फोटो लगाएं वीडियो लगाएं, और हम अगर फोटो वही ओपन कर देते हैं तो उसका ये प्रिव्यू भी यहाँ पे देगा। तो सिंपल क्या करना है, आपने पोस्ट कर देना है, पोस्ट पर क्लिक करना है, तो ये पोस्ट हमारी बन गई आज की। ये आज हमने पोस्ट एक क्रिएट कर लिया। इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें आगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये वो बता रहा है कि अपडेटेड हिज कवर फोटो, ठीक है, वो ऑप्शन हमें हमें दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी की है। आपने कवर पिक्चर, हिज प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की है, वो भी हमें शो अप कर रहा है। हमने कवर फोटो चेंज किया है, वो भी हमें बता रहा है। हमने एक पोस्ट बना के उसको किया तो वो भी हमें बता रहा है। यानी कि जो भी एक्टिविटी हम अपने पेज पे करेंगे तो वो वन बाय वन यहाँ पे विद डेट यहाँ पे शो होती रहेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।